दिल से बुलाए हिमांशु कुमार आया था दोस्त, क्लास टेस्ट 4 और मॉडल सेट 5 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 2, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया इज ऑप्शन नंबर ए sp2, ऑप्शन नंबर बी sp3, ऑप्शन नंबर सी sp, ऑप्शन नंबर डी नन। क्वेश्चन हमारा दोस्त कि अमोनिया में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है, तो अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालना है दोस्त, तो ये हो गया हमारा NH3, तो NH3 का नाम है अमोनिया। जहां पर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो लास्ट सेल को वैलेंस सेल बोलते हैं और वैलेंस सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है। अब एक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो हाइड्रोजन के पास बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। अब नाइट्रोजन के पास कम एटम है और नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालना है, तो नाइट्रोजन के पास कम एटम है तो नाइट्रोजन हो गया हमारा सेंट्रल एलिमेंट, हाइड्रोजन के पास ज्यादा एटम है तो हाइड्रोजन हो गया हमारा टर्मिनल एलिमेंट। सबसे पहले तो सेंट्रल एलिमेंट लिखेंगे, तो सेंट्रल एलिमेंट नाइट्रोजन है, यहाँ पर लिख दिए नाइट्रोजन। टर्मिनल एलिमेंट 3 ठो हाइड्रोजन है, यहाँ पर लिख दिए 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और ये हो गया हमारा 3 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन चाहता है कि मेरा ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाए, तो हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, इसीलिए हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो हाइड्रोजन दोस्त 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया नाइट्रोजन को, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया नाइट्रोजन को, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया नाइट्रोजन को। अब नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन को भी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, तो नाइट्रोजन बोलता है दोस्त प्यार लो और प्यार दो। अगर हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो नाइट्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, हाइड्रोजन अगर 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो नाइट्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, हाइड्रोजन अगर 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो नाइट्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अब दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया, दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया, दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया। अब देखिए दोस्त, नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन था, नाइट्रोजन 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुका है, तो इलेक्ट्रॉन के पास नाइट्रोजन के पास अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यह हमारा अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर बोलते हैं। तो नाइट्रोजन के पास दोस्त 1 लोन पेयर है। अब हम लोग को हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालना नाइट्रोजन का, तो देखिए दोस्त पहला पेयर मजबूत पेयर, तो पहला बॉन्ड हो गया सिग्मा बॉन्ड, पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट स्टेट ऑफ नाइट्रोजन बराबर
सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अब देखिए दोस्त, नाइट्रोजन के पास एक दो तीन सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड बराबर हो गया तीन, और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, तो तीन और एक चार हो गया, तो इलेक्ट्रॉन का चार जोड़ा है, तो ए सबसेल में इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा गया और पी सबसेल में इलेक्ट्रॉन का तीन जोड़ा गया। तो नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 हो गया। जिस तरह जो बॉयज और गर्ल्स को एक साथ स्टूडेंट बोलते हैं, उसी तरह सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को एक साथ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बोलते हैं। तो एनर्जी शेप साइज को इक्वल करने के लिए एटॉमिक और वाइटल का कॉम्बिनेशन करना हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कहलाता है। तो नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट दोस्त sp3 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। अमोनिया में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होता है sp3, तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन बोलता है दोस्त कि द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अमोनिया इज 2, b 3, c 4 और d none। तो क्वेश्चन बोलता है दोस्त कि अमोनिया के इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, इलेक्ट्रॉन का वो खास जोड़ा जो बॉन्ड बनाने भाग लेता है, उसको बॉन्ड पेयर बोलते। तो अमोनिया के इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड पेयर की संख्या है। तो देखिए दोस्त, सेंटर एलिमेंट नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन तीन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए नाइट्रोजन का बॉन्ड पेयर हो गया तीन, तो ऑप्शन नंबर बी जाएगा हमारा दोस्त 3, तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। सेंटर एलिमेंट नाइट्रोजन है दोस्त, और टर्मिनल एलिमेंट एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और तीन हाइड्रोजन है, और नाइट्रोजन के पास एक ठो लोन पेयर होता है, तो ये हमारा दोस्त बॉन्ड पेयर है। तो पेयर का मतलब जोड़ा हो गया, तो इलेक्ट्रॉन का वो खास जोड़ा जो बॉन्ड बनाने भाग लेता है, उसको बॉन्ड पेयर बोलते हैं, और ये हमारा लोन पेयर है। तो इलेक्ट्रॉन का वो खास जोड़ा जो बॉन्ड बनाने भाग नहीं लेता है, उसको लोन पेयर बोलते हैं। तो बॉन्ड पेयर दोस्त 1, 2, 3 हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। क्वेश्चन नंबर 15, गे लुसेक्स लॉ ऑफ मैथमेटिकली रिटेन एज
ऑप्शन नंबर ए वॉल्यूम बराबर कांस्टेंट गुना टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर बी प्रेशर बटा टेम्परेचर बराबर कांस्टेंट, ऑप्शन नंबर सी प्रेशर बराबर कांस्टेंट गुना वन बटा वॉल्यूम, और ऑप्शन नंबर डी नन। तो क्वेश्चन बोलता है दोस्त कि गे लुसेक लोग को गणितज्ञ रूप से लिखा जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। प्रेशर बटा टेम्परेचर बराबर कांस्टेंट जब होता है तब उसी को गे लुसेक लोग बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी को दोस्त लॉक किया जाए। क्वेश्चन नंबर 16, द थर्मोकेमिकल रिएक्शन तो रिएक्शन हमारे दोस्त NH4OH, इसका नाम है दोस्त अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जलीय घोल लेना है, और जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रतिक्रिया करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा दोस्त जलीय घोल में है, और ये हमारा दोस्त हीट है। तो हाइड्रोजन मेटल है, तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। क्लोरीन नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो क्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब देखिए दोस्त, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3 होता है और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3.5 होता है, तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया और अमोनिया के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब जिस तरह दोस्त बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को बेस पसंद है, तो एसिड और बेस के रिएक्शन से वाटर बन गया, और जब अमोनियम आयन अमोनिया के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज है, तो यह नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को देख के गाना गाता है कि मैं कब से हूँ संयर रेडी तैयार, चिपका ले मुझे फेविकॉल से। अमोनियम आयन क्लोराइड आयन के साथ जुड़कर अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है, NH4Cl का नाम हो गया दोस्त अमोनियम क्लोराइड। और ये हो गया हमारा दोस्त अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और HCl का नाम है दोस्त हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रतिक्रिया करता है जलीय हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हीट की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में अमोनियम क्लोराइड बनता है और बाय प्रोडक्ट रूप में वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो यह हमारा दोस्त एक तरह का थर्मोकेमिकल रिएक्शन है। रिएक्शन का मतलब हो गया दोस्त रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बनना। तो जिस तरह दोस्त लड़की लोग बदल जाती है उसी तरह रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाता है और रिएक्शन कहलाता है।
तो इस रिएक्शन का दोस्त डेल्टा का मतलब होगी चेंज इन और एच का मतलब होगी हीट एनर्जी, डेल्टा एच को बोलते हैं इंथैल्पी और ये हमारा एन ई यू लिखा हुआ है, इसका मतलब होगी इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बराबर माइनस 51.5 किलो जूल है। तो यह उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑप्शन नंबर बी इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन नंबर सी इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑप्शन नंबर डी नन। तो क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है कि जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रतिक्रिया करता हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तब मेन प्रोडक्ट के रूप में अमोनियम क्लोराइड और बाय प्रोडक्ट रूप में वाटर का फॉर्मेशन करता है, तो वह हमारा दोस्त इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन हमारा दोस्त इफ डेल्टा जी 0 से कम है तब, ऑप्शन नंबर ए द प्रोसेस इन स्पॉन्टेनियस, ऑप्शन नंबर बी द प्रोसेस इज इन इक्विलिब्रियम, ऑप्शन नंबर सी द प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। ऑप्शन नंबर डी नॉन। तो क्वेश्चन बोलता है दोस्त यदि डेल्टा जी का मान 0 से कम हो तब, तो डेल्टा का मतलब ये दोस्त चेंज इन और जी का मतलब हो गया गिब्स एनर्जी, तो डेल्टा जी का मतलब ये चेंज इन गिब्स एनर्जी का मान जब 0 से कम हो तब, तो इसको ऑप्शन नंबर ए जाएगा दोस्त, वह हमारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब ये दोस्त अपने आप होने वाली प्रक्रिया, जैसे पानी का पड़ना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए को दोस्त लॉक किया। क्वेश्चन नंबर 18। द वैल्यू ऑफ पीएच ऑफ
वन मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर ए 13, ऑप्शन नंबर बी 1.2 और ऑप्शन नंबर सी 5.0 और ऑप्शन नंबर डी नन। तो क्वेश्चन बोलता है दोस्त कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल है जिसका मोलारिटी 1 मोलर दिया गया है, तो उसका पीएच का मान बराबर है, तो उसका पीएच का मान बराबर दोस्त 13 के बराबर है, तो ऑप्शन नंबर एक को लॉक किया जाए। अब हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। तो हम लोग जानते हैं दोस्त कि पीएच मान ऑफ एसिड और पीएच मान ऑफ बेस बराबर 14 होता है। तो दोस्त अब पीएच मान ऑफ एसिड हम लोग को निकालना है और पीएच मान ऑफ बेस हम लोग को दिया गया है, तो बेस का मान दिया गया है दोस्त 1 मोलर, तो यहां पर बैठा दिए 1 मोलर बराबर हो गया 14। अब पीएच मान एसिड का निकालना है, तो पीएच मान ऑफ एसिड बराबर हो गया 14-1 बराबर 13 मोलर। तो पीएच मान दोस्त एसिड का 13 हो गया, तो ऑप्शन नंबर एक को लॉक किया जाए 13। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 हमारा दोस्त द फॉर्मूला ऑफ कॉन्जुगेट बेस ऑफ स्पीसीज HCO3- इज ऑप्शन नंबर ए H2CO3, ऑप्शन नंबर बी CO3-, ऑप्शन नंबर सी CO3-, और ऑप्शन नंबर डी नन। तो क्वेश्चन बोलता है दोस्त कि HCO3- है, तो इसका नाम है दोस्त बाय कार्बोनेट आयन, तो बाय कार्बोनेट आयन स्पीसीज का कॉन्जुगेट बेस का फॉर्मूला है, तो हम लोग को बाय कार्बोनेट आयन दिया है दोस्त, तो ये हो गया हमारा HCO3-। अब इसका हम लोग को दोस्त कॉन्जुगेट बेस लिखना है, कॉन्जुगेट बेस, तो कॉन्जुगेट बेस का मतलब हो गया दोस्त एच प्लस को हटाना। सबसे पहले दोस्तों बाय कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएंगे। सेंट्रल एलिमेंट कार्बन है, तो यहाँ पर कार्बन लिख दिए। एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर एक OH ग्रुप लगा दिए। तीन ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन यूज हो चुका है, अभी भी दो ऑक्सीजन बचा हुआ, तो एक ऑक्सीजन यहाँ रख दिए, एक ऑक्सीजन यहाँ रख दिए। और ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज दे दिए। जब कभी ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज हो तो वह हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बना दिए। कार्बन ऑक्सीजन के साथ हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है। अब देखिए दोस्त, इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू
3.5 होता है और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.1 होता है। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है हाइड्रोजन से, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को छीन लेता है, तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया और हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। यही एच प्लस को यहाँ पर से हटा दिया जा रहा है, तो यहाँ से दोस्त एच प्लस हट गया, तो हम लोग के पास बच गया दोस्त कार्बन। तो यहाँ पर कार्बन लिख दिए, एक दो और तीन ऑक्सीजन था तो यहाँ पर तीन ऑक्सीजन लिख दिए, यहाँ पर दो ठो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर दो ठो नेगेटिव चार्ज दे दिए, तो इसका नाम हो गया दोस्त CO3 2-। इस आयन का नाम है कार्बोनेट आयन। तो जब हम लोग दोस्त HCO3- से एक एच प्लस को हटा देते हैं तब CO3 2- प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। तो HCO3- जातियां का कंजुगेट बेस का फॉर्मूला है CO3 2-। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। क्वेश्चन नंबर 20, स्पीसीज एच प्लस सीज ऑप्शन नंबर ए लेविस बेस, ऑप्शन नंबर बी लेविस एसिड, ऑप्शन नंबर सी बोथ, ऑप्शन नंबर डी नन। क्वेश्चन बोलता है दोस्त कि एच प्लस जातियां हैं, देखिए दोस्त जिस एलिमेंट के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो वह हमारा इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है। तो जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है दोस्त वह हमारा लेविस एसिड कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। तो एच प्लस जातियां हैं लेविस एसिड, तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। क्वेश्चन नंबर 21, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज ऑप्शन नंबर ए विच इटसेल्फ, डिक्रीजेज द ऑक्सीडेशन नंबर। ऑप्शन नंबर बी विच इटसेल्फ इंक्रीजेस द ऑक्सीडेशन नंबर। ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी नन। तो क्वेश्चन बोलता है दोस्त कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारा दोस्त जो खुद को
घटा देता हो ऑक्सीडेशन नंबर में, वही हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। तो एजेंट का मतलब हो गया दूसरे को ऑक्सीडाइज करना, खुद को रिड्यूस करना, वह हमारा दोस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ऑक्सीडेशन नंबर का मान हमेशा घटता है, तो ऑप्शन नंबर एक को लॉक किया जाए। क्वेश्चन नंबर 22, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इन NaH2PO4 is, ऑप्शन नंबर ए +6, ऑप्शन नंबर बी +5, ऑप्शन नंबर सी +4 और ऑप्शन नंबर डी नन। अब हम दोस्त इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो क्वेश्चन बोलता है दोस्त कि NaH2PO4 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर है, तो फास्फोरस को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो ये हमारा दोस्त NaH2PO4 में फास्फोरस को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। इस कंपाउंड का नाम हो गया दोस्त सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, तो यहाँ पर +1 लिख दी। सोडियम का एक एटम है तो गुना 1 कर दिए। सोडियम से हाइड्रोजन की तरफ गए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, तो यहाँ पर +1 लिख दिए। हाइड्रोजन का 2 एटम है तो गुना 2 कर दिए। हाइड्रोजन से फास्फोरस की तरफ गए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। फास्फोरस को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो एक्स मान लिए। फास्फोरस से ऑक्सीजन की तरफ गए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, तो यहाँ पर -2 लिख दिए। ऑक्सीजन का 4 एटम है तो गुना 4 लिख दिए। यह हमारा न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो बराबर 0 लिख दिए। अब देखिए दोस्त, 1 + 2 तो 2 और 1 हो गया 3, ये x है तो x लिख दिए। 4 × -2 -8 बराबर 0 हो गया, तो -8 में 3 गया तो +5 हो गया। तो x बराबर हो गया दोस्त +5, तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +5, तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। चीते की चाल बाज के नजारे, हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं करना।